हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं एक न्यू मेडिकेशंस के बारे में। इसका जानेंगे हम यूजेस क्या है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, इसको किस डोजेज में हम इसको ले सकते हैं, और हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिकॉशन के बारे में, किस पेशेंट से हम क्या करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे इस मेडिसिन को, इस दवा को। तो हमारा दवा का नाम क्या है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, दवा का नाम देखेंगे, डेक्सट्रोमेथाफोरन हाइड्रोवोमाइन एंड क्लोरोफेनमाइन बेल्टानिन बेलेट कफ सिरप। ये जनरली एक कफ सिरप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एलर्जिक में यूज़ करते हैं या फिर एंटी टूशी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर ड्राई कफ, ये क्या है, सिर्फ ड्राई कफ के लिए, ना कि हमारा वेट कफ के लिए। तो हम जानते हैं कि ड्राई कफ क्या होता है, ड्राई कफ वैसे होता है जब खांसी होगा लेकिन आपका क्या है, गला जो थ्रोट है वो क्या रहेगा, हल्का सूखा सूखा सा रहता है। तो जो ये कफ सिरप है वो हमें ड्राई कफ में यूज़ करना होता है। एंटी टूसिप कहने का मतलब जो कफ है उसको सप्रेसेंट करता है, यानी कि दबाने का काम करता है, और जो एलर्जिक होता है उसमें क्या करे, एंटी एलर्जिक की तरह वर्क करता है, यानी कि एलर्जी को ख़त्म करता है। तो चले जाते हैं इसका यूजेस क्या हो सकता है, क्या किस किस चीज़ में हम इसको यूज़ करेंगे। इट इज़ अ कॉमनली यूज टू अ रिड्यूस कफ कॉज्ड बाय अ कॉमन कोल्ड और इनहेल एलर्जेंस और दैट मिक्स। तो इसका यूजेस कहाँ है, कफ को क्या करता है रिड्यूस करने में, किस वजह से अगर कफ हुआ तो जैसे कॉमन कोल्ड हो गया या फिर इनहेल्ड एलर्जेंस हो गया, किसी भी जो पार्टिकल्स है वो अगर आप इनहेल कर गए उसको एलर्जेंस को क्या करता है, उस चीज़ में उसको कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इट हार्ड फॉर यूर फॉल अस्लिप, उसको क्या करता है, स्लिप यानी ख़त्म करने में ये वर्क करता है, यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ एंटी ट्यूशिव और अ कफ सफ्रेसेंट। जो एंटी ट्यूशिव होता है वो कफ को दबाने का, कफ को ख़त्म करने का ऐसा वर्क करता है हमारे क्या, बॉडी पे, हमारे जो क्या होते हैं, जो नेक एरिया, जो थ्रॉट एरिया होते हैं उसको रिलीफ देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन निमोनिया बिकॉज कफिंग इज़ अ हेल्पफुल इन द क्लियरिंग द एक्सेसिव सिक्रेशन कॉज बाय द इन्फेक्शन। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा है, सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्लियर करने में हेल्पफुल रहता है, बट ये निमोनिया का केस में इसको हम क्या करेंगे, यूज़ नहीं कर सकते हैं। निमोनिया का केस अलग होता है, उसका इन्फेक्शन अलग होता है, तो ये निमोनिया का केस में हम नहीं देंगे, बल्कि इसको जब इन्फेक्शन हो रहा है और सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कफ में तो क्या करेंगे, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम इसका साइड इफ़ेक्ट, अगर ओवरडोज ले रहे हैं, जितना आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उससे आप ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट हमारा क्या रहेगा, डिजीजनेस रहेगा, डिजीजनेस आपको देखने को मिलेगा, ड्राउजनेस देखने को मिलेगा, नौजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। आप अगर सिर्फ लोगे तो क्या रहेगा, हल्का हल्का कन्फ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट है नर्वसनेस आपको देखने को मिलेगा, और जो कफ सिरप होता है उसका मेनली आपको साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है, आपको स्लीपी फील होगा, यानी कि नींद बहुत ज़्यादा आता है, जिसको हम लोग ड्रग भी बोलते हैं। इसको जो पेशेंट्स अगर डेली यूज़ कर रहे हैं कफ सिरप को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग एडिक्टिव भी बोलते हैं, उस चीज़ का हमें आदत हो जाता है। लेकिन आपको उतना ही लेना है जितना आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जितने डोजेज आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि इसका डोजेस क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए कैप के अकॉर्डिंग क्या रहता है, आपके डोजेस लिखे रहते हैं। तो जो बेबी होंगे, जो 10 ईयर्स तक के बच्चे रहते हैं, उनको 2.5 ml देने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्या है, हमारा एडल्ट के लिए है या फिर ओल्ड पर्सन है उनके लिए, तो वो 5 ml यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आप इसको ज़्यादा ओवरडोज में ले रहे हो तो आपको सिवियर एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। सिवियर एलर्जिक रिएक्शन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया, फीवर भी आपको देखने को मिल सकता है, लिम्फ नोड में थोड़ा स्वेलिंग देखने को मिलेगा, फेस लिप माउथ रहेगा जो थोड़ा सूजा हुआ रहेगा, और थ्रोट गला जो रहेगा वो टाइटनेस रहेगा, इचिंग रैशेज देखने को मिलेंगे आपको स्किन में,
फिर क्या रहेगा, और जॉइंट्स पेन या फिर स्टोमक क्रैम्प भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जितने डॉक्टर्स डोजेस प्रिस्क्राइब करते हैं उतना ही लेना चाहिए। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो जब भी आप दे रहे हो तो इसका क्या कीजिएगा, जो मैन्युफैक्चर डेट है, जो एक्सपायरी डेट है, वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा डोजेस भी दिया रहता है, ठीक। तो आप यहाँ डोजेज अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं, फॉर एडल्ट 5 ml या फिर टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लेंगे 4 times daily। और चिल्ड्रंस के लिए क्या है, जो 6 साल के बच्चे हैं उसके ऊपर 2.5 ml लेंगे, 1/2 tablespoon 4 times daily। और बच्चों के लिए क्या है, जो 2 से 6 के लिए जो उम्र के हैं वो 1.25 ml लेंगे, जो कि 1/4 tablespoon होगा, और वो 4 times daily ले सकते हैं। यहाँ बात करता है प्रोटेक्शन के बारे में, तो बच्चों से दूर रखना है और 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से कम में हो तभी रखना है, उससे ज़्यादा रहे क्या तो होगा या ख़राब हो सकता है मेडिसिन। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।